नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। तो मैं तीनों बाइसेल लेवल पिवट करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और ये जो बाइसेल लेवल कम स्किनर है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए ये बहुत ही आसानी से आप लोग इसको एडप्ट करके प्रॉफिट कमा सकता है। इसका आउट उसके इसको कैसे स्क्रीन किया जा सकता है और इसमें क्या क्या है आप लोग देख उसका वीडियो भी देख लीजिए, और इसको इसका स्ट्रेटजी भी क्या है वो भी आप लोग देख सकता है। और इसका फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक ग्रुप में दिया, ज्वाइन होने का लिंक व्हाट्सएप में ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इधर देखिए, पहले ये उस दिन जो जिस दिन मार्केट में सर्किट लग गया था फ्राइडे में, तो उस दिन उसके बाद वो ये रिकवर किया था। तो उसके बाद फिर से रेड बुलिश कैंडल बना है, एंड ऑलमोस्ट ये जो कैंडल का जो कैरेक्टर है मतलब मैंने और भी क्लियर देखा था, वो इससे क्लीन शिफ्ट है, ऑलमोस्ट बियरिश मारुबुजू इसको किया जा सकता है। तो ये बहुत ही मतलब बियरिश ट्रेंड का एक सिग्नल दे रहा है। और इधर जो ट्रेंड लाइन देख रहा है, ये जो ट्रायंगल बना है, इधर जो ट्रेंड लाइन देख रहा है, इधर भी इसका भी थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी भी तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसका भी नीचे आ गया। मैंने इधर से मतलब इस डिस्ट से मैंने इधर से मैंने फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हूँ। तो अब लोग इधर देख सकता है इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है, इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 22,760 में इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद ये 21,321 में इसका सेकंड सपोर्ट लेवल है। उसके बाद वो आ सकता है 19,000, उसके बाद फिर 18,537 तक, उसके बाद फिर 17,165। तो उसके बाद सर्किट कहाँ पर लगेगा वो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नीचे जाने का ही प्रोबेबिलिटी है। और इधर जो अगला 17 मार्च तक जो है वो इतना तक तो इसका आना चाहिए, मतलब 21,300 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम अराउंड 21,321। उसके बाद ये नेक्स्ट सेशन में ये 18,537 तक आ सकता है। और ये इसका जो मंथली चार्ट में जब देखूंगा इसका कौन सा लेवल तक इसका क्यों आ सकता है वो उसको भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये था 22,760, 21,321 तक तो ये ऑलरेडी गिर चुका था। उसके बाद ये कुछ रिकवरी हुआ था। उसके बाद इसका इस लेवल पर जब 21,300 उसका लेवल पर जब आ जाएगा ये, तो इसका 19,492 जो का जो लेवल है, जब एक बार 21,321 का नीचे आ जाएगा तो 19,492 बहुत जल्दी से ही आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये 18,537 तक आ सकता है। उसके बाद ये फिर से इसका ड्रॉप होगा, बहुत ही फ्री फॉलिंग होगा, इसका फ्री फॉलिंग होके 14,594 तक आ सकता है। फिलहाल इतना ही देख आप लोग को दिखाता हूँ, इसके ज़्यादा देखने से कोई फ़ायदा नहीं फिर से, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत ही डाउन ट्रेंड में चलेगा। क्योंकि देखिए सभी जगह शट डाउन हो रहा है, कोरोना वायरस का कम हो रहा है, तो आप लोग समझ सकता है कि इसका ये भी ट्रेडर भी ट्रेड कम कर रहा है। तो स्कूल कॉलेज ऑफिस फैक्ट्रीज तो सब बंद होता है इंडिया में, और चाइना में तो अभी तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो हो रहा है, तो बिजनेस भी नहीं होगा, सेलिंग भी नहीं होगा, तो मार्केट में तो इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट मार्केट और भी नीचे ही आएगा। बीच बीच में वोलेटिलिटी के वजह से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है पुल बैक, नहीं तो इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। निफ्टी का चार्ट देखता हूँ,
निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा, बैंक निफ्टी का चार्ट जैसा पैटर्न ही बना के चल रहा है, इधर भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर से ले लेता हूँ रिट्रेसमेंट का लेवल, और इसको इसका जो और मैंने डेली का नहीं बताया ना। अच्छा फर्स्ट इसका देखिए 9162 में इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस जो है तो आप लोग देख सकते हैं इधर 9972 10306 और 10719। तो मैंने सभी सपोर्ट के बारे में ही ज़्यादा बताऊँगा। तो इधर देखिए 9162 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 8557 में सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 7787, उसके बाद 6807, उसके बाद फिर और भी नीचे आ सकता है 9517 तक इसका आने का पोटेंशियल है, क्योंकि ये आप लोग मंथली चार्ट में देखने से पता चल जाएगा कि क्यों क्यों इतना आ सकता है कितना। इधर देखिए ऑलरेडी इसका ये जो 8557 तक ये क्रूशियल है, मतलब 7000 का लेवल, क्योंकि इसके बाद ये इसका बहुत ही फॉलिंग होगा। आप लोग देख सकता है इधर से पूरा इतना तक आ जाए, उसके बाद फिर इधर 5259 तक आने का इसका पोटेंशियल है। तो इसका और मैंने कुछ लेवल उसमें तो 3 जो लेवल आप लोग को मिल जाता है, गन लेवल का भी मिल जाता है। तो इधर आप लोग को फिबोनाची का लेवल एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो इधर देखिए ये फ्यूचर और जो इंडेक्स है इसका फिबोनाची का लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, बाय लेवल्स और सेल लेवल्स। इसके बाद आप लोग ग्रांस कर ऑफ लाइन में देखिए इधर निफ्टी का दिया हूँ एक, ये एक लेवल है, और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग के नाम पर हुआ था, हुआ है आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग। आप लोग भी इधर से कैलकुलेट कर सकता है कि लेकिन इसका जो वेबसाइट से आप लोग इधर कंपेयर कर सकता है वो आप लोग का बात है। देखिए 23101 में इसका रेजिस्टेंस मिलता है, और देखिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग नोट कर सकता है, निफ्टी का देख सकता है ये जो इस ये अपर अपर अप साइड में है और ये डाउन साइड में है, यह एंड ऑफ द फर्स्ट सर्कल, और इसमें जो है एंड ऑफ द ये अप साइड में और ये डाउन साइड में आ सकता है, सेकेंड सर्कल में और थर्ड सर्कल में ये इतना तक आ सकता है अप साइड में और डाउन साइड में। तो डाउन साइड ही आप पकड़ कर करके चलिए, डाउन साइड में आप लोग देख सकता है। उसके अलावा और जो एनालिसिस है आप लोग को मिल जाएगा, और इधर इधर और ग्रैंड प्राइस एंगल वो उधर भी आप लोग को मिल जाएगा, और इधर मतलब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 24074 और 30008 ये तो हो गया, इधर 30074 और 30008। तो इसका देखिए आप लोग एंड ये अपसाइड में है और ये डाउन साइड में है, तो इसका भी एंड फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल थर्ड सर्कल जो लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है और जो लोग इंटरडे भी करेंगे तो इस सब लेवल जब आप लोग याद रखेंगे तो मान के चलेंगे तो आप लोग को ट्रेड लेने का सुविधा हो जाएगा। और इधर इसमें क्लोजिंग आया है 23101, इसमें 23101 में क्लोजिंग आया है। तो इसका ये इसका बाय लेवल और सेल लेवल ऐसा बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसा बनता है, और इसका प्रोबेबिलिटी आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर ये तो डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, और इधर देखिए ये तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिख रहा, सो साल 24000 और 22000 ऑप्शन चेन में दिखा रहा है, तो इसीलिए अब मैंने इधर दिखाया। तो ऑप्शन चेन में भी आप लोग को एक बार